हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट विद देवलोक में। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल से जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वनडे मैचेस की, 3 वनडे मैचेस की सीरीज शुरू होने जा रही है। तो उसी का एनालिसिस हम ड्रीम 11 के लिए आज करेंगे। प्लेयर्स की प्रोफाइल देखेंगे, क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, क्या पिच रिपोर्ट है, मौसम कैसा रहेगा, इन सब पे डिटेल में डिस्कशन आज होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट विद देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपनी स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अफगानिस्तान जो है ये सीरीज करवा रही है पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की तो स्थिति बहुत बेहतर है नहीं कि वो इस तरीके से टूर्नामेंट अपने वहां कराए कर सके, तो वो श्रीलंका से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो श्रीलंका में ये करवाया जा रहा है। और वैसे भी क्योंकि इस समय जो है अभी लंका प्रीमियर लीग LPL चल रहा था, तो खिलाड़ी लगभग वही हैं एशिया के सारे। तो उनका बेटर है यही करवा लो। खैर, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो यही कि अफगानिस्तान अभी स्थिति में नहीं है कि वो अपने वहां मैच करवा सके। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैच है ये अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, और ये जो है आपका महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और हम्बन टोटा है, लेकिन हम्बन टोटा में भी मैचेस होते हैं, तो हम्बन टोटा में ये मैच खेला जाएगा। कल 22 तारीख है और इसकी टाइमिंग रहेगी 3 बजे, मतलब 2:30 बजे टॉस हो जाएगा। ठीक है, और शाहिदी इस समय कप्तान है आपका बांग्लादेश का, ना सॉरी अफगानिस्तान का, और बाबर जो है वो पाकिस्तान का कप्तान है। ठीक है बॉस, तो ये इसका शेड्यूल है। पहला मैच 22 अगस्त को 3 बजे से हम्बन टोटा मैदान में, दूसरा 24 तारीख को खेला जाएगा, और तीसरा 26 तारीख को, मतलब हर एक दिन गैप के बाद अगला मैच है। ठीक है, 3 ही मैच की सीरीज है, बढ़िया प्रैक्टिस है एशिया कप होने से पहले। अब अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका देखेंगे दोस्तों, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान इसमें सुपीरियर है, क्योंकि टोटल 4 ही मैच इन लोगों ने खेले हैं और 4 की 4 पाकिस्तान ने जीत दिए हैं। अफगानिस्तान तो अभी खाता भी नहीं खोल पाई है। ओके, और अगर लास्ट 6 मैचेस का आप देखते हैं, तो 6 मैचेस तो नहीं कहेंगे इसको, 5 ही कहेंगे, क्योंकि मैंने छठा हटा दिया है ऐसे। लास्ट 5 मैचेस में अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, तो जो अफगानिस्तान आपकी है, पहले तो 2 हारी है आपकी, फिर ये 2 लगातार जीती थी, लेकिन जो लास्ट मैच खेलकर आई है ये हार कर आई है। लास्ट मैच मतलब जो लेटेस्ट है, अभी जो लास्ट खेलकर आई है, ठीक है, वो इसने हारा हुआ है। तो लास्ट वाले में जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि मेरा लिखने का तरीका ESPN क्रिक इन्फो या बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। लास्ट में जो आता है वो लेटेस्ट मैच होता है। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान को देखें, तो सारे मैच 5 में से 4 जीत कर आई है, लेकिन लास्ट वाला मैच ये भी हार कर आई है। ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान भले ही एक हारी हो, लेकिन ये स्ट्रांग बहुत है अफगानिस्तान की तुलना में। इसके बाद आगे देखते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड क्या है। तो ये टोटल पाकिस्तानी स्क्वाड है दोस्तों, और यही प्लेइंग 11 शायद कल रहने वाला भी है। मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है कि यही प्लेइंग 11 कल रहने वाला है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपके सामने दे रखा है। बस आप देख लीजिए किस खिलाड़ी का एवरेज सबसे ज्यादा है, कौन अच्छे खिलाड़ी हैं, और कितने ज्यादा किसने ज्यादा रन बनाए हैं, आप खुद एनालाइज कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं एक एक बताने लगा तो लेंथ काफी बढ़ जा रहा है वीडियो का, फिर आप लोग इंटरेस्ट उसमें खो दे रहे हैं। लेकिन बैटिंग लाइनअप देख लीजिए क्या है। फखर जमन ओपनर आएंगे इमामुल हक के साथ, और इमामुल हक वनडे के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, तो ये आपकी टीम में रहने चाहिए। पिछले जो लास्ट मैच खेले गए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, उनमें भी इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। बाबर आजम ऑब्वियस चॉइस है, इस समय वर्ल्ड में टॉप क्लास प्लेयर्स में इनको गिना जाता है। फखर जमान खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, आप देखें 210 भी इन्होंने बना रखे हैं, डबल सेंचुरी भी है, एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा है 48 का, स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर है, 10 शतक है, लेकिन करंट फॉर्म इनका बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तानी गेंदबाजी बहुत तेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, टॉप 3 भी रख सकते हैं इनके बल्लेबाजों को, बाकी इनके गेंदबाजों को रख के भी आप बड़ा लीग में कोई बड़ा इनाम जीत सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे रिजवान आएगा, और नंबर 5 पे इफ्तिखार। इफ्तिखार देखिए बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और ये लगातार जो है पाकिस्तान के जो क्लब क्रिकेट्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए इनको चांस मिला हुआ है बॉलिंग। हालांकि मुझे नहीं लगता कि, देखिए राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेकिन कराएंगे नहीं है ये, सिर्फ बैटिंग ही करेंगे। ठीक है, और बढ़िया हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। स्ट्राइक रेट देख लीजिए इनका ना, ये फिनिशर की भूमिका में ज़्यादा बढ़िया नजर आते हैं, 101 का स्ट्राइक रेट है, मतलब ये बड़े स्कोर कन्वर्ट कर सकते हैं। शादाब खान आप देख सकते हैं, शादाब खान को आपने बहुत देखा है उधर बिग बैश में भी देखा है, और कई जगह आप इनको देखते हैं लीग क्रिकेट्स में, T20s में, वहाँ ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता है, और वाइस कैप्टन भी है शायद इस समय, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बाबर कैप्टन है और ये वाइस कैप्टन है, आगे शायद मेंशन किया होगा।
और सलमान आगा को करें या आगा सलमान, सलमान आगा जो भी है इनको आप देखें, अभी इन्होंने जो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली है वहां इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि वो लॉन्गर फॉर्मेट था, शॉर्टर फॉर्मेट में ये बैटिंग तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन बॉलिंग में इनका थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन ये खिलाए जाएंगे क्योंकि और कोई बेहतर खिलाड़ी इनके पास है नहीं। हैरिस रऊफ बहुत टॉप क्लास मुझे गेंदबाज लगता है, लेकिन इसकी करंट फॉर्म बहुत खराब है। ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर ये अच्छा गेंदबाज है, इसको भी खिलाया जा सकता है। ठीक है, और नसीम सा रहेंगे ही टॉप क्लास है, शाहीन आफरीदी ने पिछले पहले भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हुए, तो ये तो इनकी लाइनअप रहेगी और ये प्रदर्शन है, आप इनको देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया हुआ है अपने पूरे करियर में। इसके बाद आप देखते हैं हेड टू हेड में, अगर आप देखें मतलब हेड टू हेड का मतलब है कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में क्या रहा है, फखर जमान ने 2 मैच खेले हैं आप देखिए और ये 0 बना पाया, ये खाता भी नहीं खोल पाया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कल के मैच में भी खाता नहीं खोल पाएगा, हो सकता है ये बहुत बड़ा स्कोर कर दे, तो क्योंकि लोग ना इस पे बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं, तो इसको हो सकता है लोग छोड़े, तो आप इसको मत छोड़िएगा। और मैं तो कहता हूँ लेते हैं तो कप्तान भी बनाइएगा, मे बी कल सेंचुरी निकल जाए इसके बल्ले से अगर ये पहले खेल रहा है। इमामुल हक नो डाउट, आप देखें 2 मैच खेल चुका है, 116 रन इसने बनाए हैं, 58 का इसका एवरेज है, एक अर्धशतक है, मतलब चल रहा है। बाबर का भी सेम है, 2 मैच में 111 रन बनाए हैं, 66 इसका हाइएस्ट है, 55 इसका एवरेज है, आप देख सकते हैं। रिजवान और इफ्तखार अभी तक अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले हैं, शादाब ने 1 मैच खेला है, कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। सलमान अली, हैरिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर ये और नसीम शाह ये अभी तक नहीं खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अफरीदी खेला है जिसने 2 मैच में 6 विकेट लिए हुए हैं और 47/4 एक ही विकेट में, एक ही इसने मैच में लिए हुए हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा। ये तो है हेड टू हेड की पोजीशन। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्त, लास्ट 5 परफॉर्मेंसेज इनके क्या है। फकर जमन को अगर आप देखें तो 45-22-11-8-0, मतलब प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं है, करंट फॉर्म इसकी खराब है, तो कैसे इसको आप एडजस्ट करेंगे टीम में ये आप देख लीजिए। इमामुल हक एक बढ़िया खिलाड़ी है, आप देखिए ये 1 और 50 टेस्ट मैच का दिखा बता रहा हूँ ये बनाकर आया, हालांकि लास्ट पारी इसकी फ्लॉप रही थी, लेकिन देखिए 30-36 ना ये स्कोर करता ही है, तो ये वनडे का तो फिर ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बाबर आजम ऑलवेज देखिए लास्ट 3 मैच इसके फ्लॉप रहे हैं, 11 और 9 और 6, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, ज्यादा टीम से खेल रहे हैं तो किसी में इसको हटाइएगा जरूर, सब में रखने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान को अगर आप देखें तो बढ़िया फॉर्म में है, 52-68-27-39, ये एक ठीक खिलाड़ी है, इसको रखा जा सकता है। ठीक है, अगर ये इस पोजीशन पे खेलता है तो ये बहुत ही बढ़िया है। इफ्तखार को आप एक देखिए, इफ्तखार का रोल ना तब रहता है कि जब पाकिस्तान के विकेट गिरते हो और ये पीछे आके पारी संभाले या फिनिशिंग मोड में हो तब की बात है, तो इफ्तखार को आप ओमिट भी कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं कि इसको रखें आप। ऐसे ही शादाब खान पे भी मैं बहुत ज्यादा वनडे में तो विश्वास नहीं करूंगा, T20 होता तो मैं इसको जरूर रखता। सलमान अली आगा का आप देखें, ये अभी श्रीलंका के में जो टेस्ट मैच खेल कर आया है, ये उसमें उसका प्रदर्शन है, और यहाँ पर ये वनडे में तो ठीक ठाक करता है लेकिन वनडे में गेंदबाजी इसकी तिरछी नहीं है। हैरिस रऊफ आप देखें, 3 विकेट 0, 2 विकेट 0, 0, मतलब ये 5 मैच में 5 ही विकेट ले पाया है। ठीक है, और हो सकता है कि कल भी ये बहुत ज्यादा ना कर पाए। मोहम्मद वसीम जूनियर 4-1-0-0-2, तो ये देखिए पहले तो कल खेलता है या नहीं खेलता है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से तो खिलाएंगे क्योंकि इनके पास और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसको ड्रॉप करेंगे नहीं मुझे लगता है। अभी देखते हैं बेंच में कौन सा प्लेयर है जो ठीक कर सकता है। नसीम साहब बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, राइट आर्म फास्ट है, 2-1-2-1-1 ये लगातार विकेट ले रहा है, 7 विकेट 5 मैच में दे चुका है। आफरीदी ने लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं लिए हैं लेकिन इसने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है, तो इसको रखना चाहिए। तो ये तो इनका लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंसेज है। इसके बाद ये बेंच प्लेयर्स हैं आपके, जैसे मोहम्मद हैरिस है, मोहम्मद नवाज है, तैयब ताहिर है, अब्दुल्ला शफी, फहीम अशरफ, शौद शकील है, उस्मा मीर, ये सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पर हैं, तो हो सकता है कि मोहम्मद नवाज को खिलाया जाए, क्योंकि ना श्रीलंका में क्या होगा कि जो तेज बॉलर है शुरू में अगर बॉल जब नहीं है तो उसमें रऊफ को और शाहीन को सबको मदद मिलेगी या वहां विकेट ले सकते हैं, बाद में तो फिर स्पिनर ही काम आते हैं, तो हो सकता है भाई वसीम को ना खिलाएं और मोहम्मद नवाज को रख ले। मोहम्मद नवाज क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है और अच्छी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है और ये बॉलिंग भी, स्पिनर है तो शायद क्या पता नवाज की इसको खिला ले जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह। ठीक है, तैयब का मौका नहीं आएगा। अब्दुल्ला शफीक को अगर आप देखेंगे तो नहीं खिलाएंगे इसको भी, भले ही टेस्ट में ये बहुत बढ़िया करके आया हो।
फहीम अशरफ भी मुझे नहीं लगता कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा खेलने के लिए, ये भी नहीं, शौद शकील ये खिलाए नहीं जाएंगे इनसे, ठीक है। सिर्फ एक मोहम्मद नवाज का हो सकता है कि खिला दे, तो ये बेंच स्ट्रेंथ है इनकी। इसके बाद बॉस अफगानिस्तान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करने वाली है, अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी हैं सारे के सारे। और अफगानिस्तान, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, ये मेरा अपना कोट था DNP का, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हेड टू हेड वाली बात थी तब वहां मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर अफगानिस्तान की अगर आप लाइनअप देखते हैं तो देखिए बॉस यहाँ पे आप देखो 38 का एवरेज है ये रहमानुल्ला गुरबाज का, और 62 का है इब्राहिम जादरान का। तो मतलब ये खिलाड़ी हैं बढ़िया दोनों की दोनों, लेकिन यहाँ पे डाउट ये होता है कि अगर थोड़ी सी भी मदद गेंदबाज को मिल रही होगी, शाहीन को या आपके क्या कहते हैं नसीम साहब को, तो ये इसको खा सकते हैं। तो ओपनर आप रिस्क है, दोनों तो मत रखिएगा, एक रखिए एक छोड़िए, कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से मैं गुरबाज को रखूंगा, ठीक हो गया। रहमत शाह इसके बाद आते हैं, तो रहमत शाह भी अच्छे खासे हेविली एक्सपीरियंस्ड है और 36 का एवरेज इनका बैटिंग में है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, 14 ही विकेट है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 94 मैच में उसमें से भी 5 एक ही मैच में लिया था, शायद बॉलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन ये खिलाए जाएंगे। इस समय आफरीदी जो है आपका, सॉरी शाहिदी जो है हसमतुल्ला शाहिदी, ये इनका कप्तान है और ये बढ़िया है। और ये लास्ट मैच जो खेल कर आया था पाकिस्तान के खिलाफ, वहां शायद इसने 97 रन जो नॉट आउट ही दिख रहा है इसने वही बनाए हैं शायद, 32 का एवरेज है, ठीक ठाक है। तो ओपनर खिलाने से बेहतर है कि इसको खिलाइए, क्योंकि जब शुरू में 4-5-6 ओवर निकल गए मान लीजिए आफरीदी और लोग हट गए और स्पिनर आने लगे और थोड़ा तेज बॉलरों का खौफ कम हुआ तो ये अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक इसी तरीके से आप इसको इसको जादरान को भी देख सकते हैं, ठीक है। और जादरान ये आपके तो है, इब्राहिम है और नजीबुल्ला जादरान है, इसके भी आप देख सकते हैं 30 का एवरेज है, शतक इसने भी बनाया हुआ है, ये भी रख सकते हैं। नवी जरूर रहेगा टीम में बॉस, क्योंकि नवी ना बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, और इसका रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए, 27 का इसका बैटिंग में एवरेज है और 31 का इसमें बॉलिंग है, बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली ये। लेकिन 142 मैच में अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 150 विकेट ले चुका है, नीचे वाला कॉलम विकेट का है, ऊपर वाला जो है रनों का है, 3046 रन हैविली एक्सपीरियंस्ड है, तो नवी तो रहेगा आपकी टीम में। इसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई है, ये आपका राइट आर्म मीडियम है, और अगर आप इसको देखें तो इसने भी 12 मैचेस में अगर आप देखें तो जो विकेट है इसका विकेट टैली जो है वो 6 ही की है, और बैटिंग भी कोई इतनी बढ़िया है नहीं, तो इसको रखेंगे भी तो मैं इसको नहीं रखूंगा। नूर अहमद की वापसी हुई है, रिस्ट स्पिनर है और श्रीलंका में खेल रहे हैं, स्पिन होनी है तो नूर को तो ये जरूर खिलाएंगे और मैं भी चांस दूंगा नूर को, मेरी टीम में भी नूर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मुजीबर रहमान वैसे तो ये मुस्तफिर रहमान वैसे तो बहुत बढ़िया, ये आपका सॉरी मुजीब है, मुजीब रहमान है, तो ये बॉलर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये RAO लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और आप देखें ये 86 विकेट जो है टोटल ले चुका है और 50/5 इसका बेस्ट है, तो ये भी मेरी टीम में रह सकता है। फजल फारूकी एक बेस्ट है, आफरीदी बेस्ट है, ठीक है, ये आफरीदी नहीं सॉरी ये राशिद, राशिद भाई अपना, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं मैंने शायद, हाँ ये राशिद को जो है इसको खिलाएंगे आप, तो कैसे टीम होगी ये भी आगे देखते हैं। इसके अलावा ये हेड टू हेड में आप देखें तो गुरबाज जो रहमानुल्ला गुरबाज है ये खेला नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, इब्राहिम जादरान खेला नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, रहमत शाह खेला है और 2 मैच में इसने 36 IS के साथ 71 रन बनाए, मतलब रन बना ही रहा है ये, ठीक है। आफरी में ये शाहिदी को आप देखेंगे तो ये 97 नॉट आउट इनके खिलाफ बनाकर आया है, तो इसको मैं जरूर रखूंगा। जादरान 3 मैच में सिर्फ 48 रन है और 42 एक ही मैच में है, तो जादरान को मैं ड्रॉप करूंगा, इसको शायद नहीं रखूंगा। नवी मेरी टीम में रहेगा, ठीक है, 4 मैच में ये 75 रन करीब बना चुका है, विकेट मैंने टैली इसकी नहीं रखी क्योंकि नहीं लिए है इसने पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद ये अजमत उमरजई है, ये खेला ही नहीं है अभी पाकिस्तान के खिलाफ। नूर अहमद 3 मैच जो है खेल चुका है और 3 मैच में इसने विकेट 2 ही लिए हुए, लेकिन क्योंकि स्पिन ट्रैक है तो मैं इस पे जो है रिस्क लूंगा, इसको खिलाऊंगा मैं, ठीक है। फिर ये मुजीबुर रहमान है, 2 मैच में 4 विकेट ले चुका है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसका भी नहीं है। फजल फारूकी अभी खेला नहीं है, लेकिन अगर पहले बॉलिंग करती है अफगानिस्तान तो ये विकेट टेकर हो सकता है और ये फकर जमान या इमाम में से किसी का विकेट निकाल सकता है। राशिद तो बॉस है, राशिद को कोई नहीं छोड़ता तो हम भी नहीं छोड़ेंगे बॉस, ठीक है। राशिद क्योंकि बॉलिंग तो करेगा ही बहुत बढ़िया, और ये आपका देखिए फील्डर भी बहुत जबरदस्त है, और फील्डर होने के साथ साथ आप देखिए बॉलिंग भी इसकी तगड़ी रहती है, तो इसको तो रखेंगे रखेंगे, मतलब ये स्टार प्लेयर है वहां का।
इसके बाद अगर आप बेंच प्लेयर्स देखें तो बेंच प्लेयर में वफादार मोमन है जो कि अभी खेला नहीं है, और सुलेमान साफी ये भी नहीं खेला हुआ है। रियाज जो हसन है इसने 3 मैच में लगभग 86 रन बनाए हुए हैं, ये बैटर है, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन है, 28 का एवरेज है, लेकिन मौका मिलता हुआ नहीं लग रहा है इसको। ये जो आपका इकराम अली खिल है, देखिए ये खिलाया जा सकता है, क्योंकि ना ये अभी लास्ट में जो खेले हुए हैं अफगानिस्तान ने, वहां भी इसने खेला था और 25-30 ठीक ठाक रन बनाए थे, तो हो सकता है कि वहां से उमर जई को हटा के इसको ले आए, ठीक है, या किसी कमजोर बल्लेबाज को हटा के इसको ले आए, इसका चांस बन सकता है। हालांकि मैंने प्लेइंग 11 में दिखाया नहीं है, ठीक है, अब्दुल रहमान का चांस नहीं बनेगा, तो इनमें से अगर बेंच में से अगर वहां कोई रिप्लेस करना होगा ना, तो सिर्फ ये इकराम जाएगा बस। और इकराम भी कहाँ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, तो इकराम बहुत से बहुत अगर जा सकता है तो ये जादरान वगैरह, इनकी इस जादरान की जगह क्या पता खिला लें इसको, क्योंकि यहाँ से तो इसको हटाएंगे नहीं उमर जई को, क्योंकि ना ये राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी भी कर रहा है, और गेंदबाजी अफगानिस्तान की स्पिन फजल फारूकी और राशिद को छोड़ दे तो बहुत बढ़िया लग नहीं रही, रहमान भी उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, ठीक है, तो चांसेस इस तरीके से रहेंगे। अगर हेड टू लास्ट 5 परफॉर्मेंसेस देख लें तो रहमानुल्ला गुरबाज भी भाई 1-0 और 19 ये चला नहीं है, इब्राहिम जादरान ये भी 1-8-22 है, ये फिर से नसीम शाह और शाहिद आफरीदी के शिकार बन सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, तो 7-9-30-8-2-0 आप देखें ये भी है, तो रहमत शाह भी बहुत ज्यादा चला नहीं है, इसको भी हटा सकते हैं, इसको मैं लूंगा, इसका जो इनका जो शाहिदी है इसको मैं जरूर लूंगा, क्यों भली से इसने यहाँ पे देखिए लास्ट में स्कोर नहीं कर रखा, 4-9-13-9-2-22 बनाए हैं, लेकिन ये ना मिडिल ऑर्डर में आएगा तो ये रन बना सकता है, तो इसको मैं जरूर लूंगा। और इसके वाला नजमुल्ला जाबरान को भी मैं लूंगा, क्यों भली इसने इसने यहाँ रन नहीं बनाए हैं, इसको लिया जा सकता है, नवी तो रहेगा ही टीम में क्योंकि एक विकेट ले ही रहा है, और उमर जई का आप देखें प्रदर्शन बहुत बढ़िया है नहीं इसका, तो मैं शायद इसको ड्रॉप करूंगा भले ही से ये मीडियम पेसर हो। नूर अहमद को मैं रखने वाला हूँ, है, और मुजीब को भी मैं रखने वाला हूँ क्योंकि ये स्पिनर है, फजल को भी मैं रखने वाला हूँ और राशिद को भी मैं रखने वाला हूँ। भाई ये मत सोच लेना कि यार तू सारे तो रख रहा है इनके तो छोड़ेगा किसको, भाई कॉम्बिनेशन में रखेंगे, किसी टीम में इनको किसी टीम में उनको, ठीक है, तो बैटिंग ज्यादा आएगी किसकी, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की, इसलिए उनको ज्यादा रखना है, क्योंकि पाकिस्तान तगड़ी टीम है तो वो तो अपना काम चला ही लेगी कम खिलाड़ियों से भी बॉस। इसके बाद अगर पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं बॉस, देख लेते हैं, लास्ट 5 परफॉर्मेंसेस ये हैं और बेंच प्लेयर इनके ये थे, और हेड टू हेड मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा नहीं है। इसके बाद बॉस आप आ जाइए, क्या पिच रिपोर्ट है, तो ये परफेक्टली बैटिंग फ्रेंडली है, रिगार्डलेस कि शुरू में नई बॉल होगी तो ज्यादा मूव करती है, वहां पे शाहीन और नसीम साहब दोनों कमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले खेलती है आपकी अफगानिस्तान और इन दोनों को सेफ खेल के निगोशिएट कर जाती है और आगे रन बनाती है, तो फिर ये बैटिंग ट्रैक है बहुत बढ़िया, ठीक है, हालांकि बीच में फिर स्पिनर स्पिनर जो है आने लगेंगे, लेकिन अगर आप एशिया में खेल रहे हैं ना तो आपको स्पिनर से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी एशियन टीमें हैं ये, है, अफगानिस्तान के पास राशिद है प्रैक्टिस कराता है उनको, मुजीब है प्रैक्टिस कराता है, तो इतने ज्यादा ये स्पिन से डरते नहीं, स्पेशली पाकिस्तान की स्पिन से तो ये नहीं डरेंगे, हाँ पाकिस्तान की ये पेस से जरूर डरेंगे। हेल्प दोनों के लिए बराबर है, चाहे स्पिनर हो चाहे सीमर हो, लेकिन सीमर के लिए अर्ली ऑन मतलब शुरू में ही, बाद में तो नहीं मिलेगा, डेथ ओवर्स में निकल गए मारने में वो बात अलग है, लेकिन शुरू में ही हेल्प रहेगी। स्पिनर स्पिन वर्सेस सिम अगर आप देखेंगे तो स्पिनरों ने 40 विकेट लिए हैं यहाँ पे और आपके 41 विकेट लिए हैं सीमर ने, तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं तेज और स्पिनर में। चेजिंग इसमें इजी हो जाती है क्योंकि 24 मैच में से 12 मैच चेस करते हुए जीते गए हैं और 9 मैच जो है वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, तो पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो वो पहले बॉलिंग ले लेगा, और बॉलिंग ले लेगा तो मजा आ गया बॉस, आफरीदी तुम्हारे पास है ही, नसीम शाह तुम्हारे पास भी है, अब इसमें नाम देख के मत सेलेक्ट कर लेना कि आफरीदी बहुत बड़ा है तो इसको कप्तान बनाए, नसीम शाह को बनाइए क्योंकि कई बार वो आफरीदी से बेहतर गेंदबाजी कर जाता है, ठीक है बॉस। हाईएस्ट टोटल 368 यहां पे बना हुआ है, देखिए बड़ा स्कोर, पाकिस्तान के खिलाफ ही ठोक दिया था श्रीलंका ने, ठीक है। लोएस्ट स्कोर जो है वो 112 का है, जो कीनिया ने फिर पाकिस्तान ने कीनिया को निपटा दिया था, बॉलिंग अच्छी है इसलिए निपटा दिया था। फर्स्ट और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 251 और 200 है, तो कल मुझे लगता है कि देखिए क्योंकि अफगानिस्तान तो कमजोर है, अफगानिस्तान कमजोर है तो वो जल्दी निपट सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले खेलती है तो 260 280 में भी 300 भी क्रॉस कर सकती है, ठीक है, तो ठीक है वैसे ही चल रहा है जैसे आयरलैंड और इंडिया में चल रहा है ना, वैसे ही इनका भी रहेगा हिसाब किताब।
लास्ट दो मैचेस जो ये आपस में खेल कर आए, इनके रिजल्ट देख लीजिए। ये मैच 21 सितंबर 2018 को हुआ था, अफगानिस्तान ने यहाँ पर जीता था और बैटिंग करी थी। और देखिए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के सामने 257 रन बना दिए थे, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये शाहिदी मैंने बताया था ना, 97 रन, इसके 97 नॉट आउट होंगे शायद, ये मैंने यहाँ लगाए नहीं है, ये 97 आप बनाकर आया था। और असगर अफगान अब तो खेलता नहीं, संन्यास ले लिया इसने शायद, है तो असगर अफगान अब है नहीं तो, लेकिन 67 इसने बनाए थे। अच्छा ऑलराउंडर था ये। देखिए यहाँ पे नवाज ने 3 विकेट लिए थे, मैंने वहां नवाज को बेंच पे रखा है, लेकिन हो सकता है कि नवाज को ले आए और किसको बाहर कर दें, मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर कर दें, क्योंकि इनके पास देखिए नसीम सा होगा तेज गेंदबाज, हैरिस रऊफ तेज गेंदबाज, शाहीन तेज गेंदबाज, तो चौथा नवाज आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आफरीदी ने 2 विकेट लिए थे इस मैच में, पाकिस्तान ने 7 विकेट पे ये स्कोर चेस कर दिया था, क्योंकि इमाम जिसको मैं लेने की बात कर रहा हूँ, इमाम उल हक को वनडे का अच्छा बल्लेबाज है, 80 रन बना गया था, बाबर ने 66 बनाए थे, और शोएब, मोहम्मद शोएब अब तो है नहीं खैर, लेकिन 51 नॉट आउट बनाए थे, और ये मैन ऑफ द मैच भी रहे थे उस केस में। राशिद ने 3 विकेट लिए थे, मुजीब ने 2 विकेट लिए थे, तो इसी में आप देख लो कि किस तरीके से स्पिनर 8 विकेट ले गए हैं भाई, 3 नवाज ले गया है, 3 राशिद ले गया है, 3 मुजीब ले गया है, तो 8 विकेट तो इन्हीं के हो गए। तो पाकिस्तान ने आबू धाबी में मैच हुआ था, 3 विकेट से ये जीत लिया था। और ये मैं एडिट करना भूल गया, क्योंकि ये वही वाली स्लाइड्स थी, तो इस पे आप ध्यान ना दें, सॉरी फॉर दैट, इसको हमें हटाना चाहिए था, इंडिया वाली स्लाइड्स नहीं, फिर मैं इसको भाई लोगों हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, उसी में कॉपी किया हुआ है ये। फिर इसके बाद अगला मैच हुआ 21 जून 2019 को, अफगानिस्तान ने फिर वही किया कि हम बैटिंग करेंगे, और अब की बार भी अफगानिस्तान ने 227 9 विकेट में ठीक ठाक स्कोर बनाया, और नजमुल्ला जादरान 42, और असगर अफगान ने फिर बनाए 42, ठीक है। आफरीदी ने लिए 4 विकेट। वहाब रियाज, अभी कुछ समय पहले वहाब रियाज ने, कुछ दिनों पहले संन्यास की घोषणा करी है, इसने भी 2 विकेट लिए थे, तो बॉस आफरीदी कॉमन है देखिए। इसके बाद आगे चलते इधर देखते हैं कि कैसे किया, 7 विकेट पे चेस कर लिया पाकिस्तान ने, तो इमाद वसीम जो था आपका ये 49 बनाया गया था, बाबर ने फिर बनाए 45, इमाम ने फिर बनाए 36, ठीक है। राशिद को 1 विकेट लिया मिला, मुजीब को 2 मिले, नबी को 2 मिले, तो फिर स्पिनर और तेज दोनों को विकेट मिल गए यहाँ तो, हालांकि तेज को ज्यादा मिले हैं क्योंकि वहाब रियाज भी है। पाकिस्तान ने 3 विकेट से ये जीत लिया था, ठीक है। ये लीड्स में हुआ था, मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड कप का मैच है, ये है वर्ल्ड कप का मैच, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद वर्ल्ड कप का ही मैच है, ठीक है बॉस। तो ये तो इनका प्रदर्शन रहा है अभी तक का। अब बॉस देखते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया, अब आप देख लो कि टीम किस हिसाब से बनाओगे। जो मेरे को लगता है, देखिए मैं अपनी टीम जो मैंने सेलेक्ट करी है, बल्कि कल भी जो आयरलैंड वाला जो हुआ था मैच ना, उसमें भी जो मैंने टीम सेलेक्ट करी थी बिल्कुल क्लोज पहुंची है, सिर्फ एक खिलाड़ी और कैप्टन वाइस कैप्टन अलग कर दिए, टीम ऑलमोस्ट सेम थी। उसको मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं इंडिया वाला वीडियो अपलोड करूंगा, अभी 23 तारीख को इंडिया का मैच है, कल अपलोड करेंगे, वहां मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो देखिए कैसे मैंने किया हुआ है, मैंने यहां से अफरीदी ले लिया, नशीम शाह ले लिया और रऊफ ले लिया, लेकिन अगर नवाज खेल रहा होगा तो मैं इसकी जगह नवाज लूंगा, स्पिनर को इंट्रोड्यूस करूंगा ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इनका कोई स्पिनर नहीं लिया है। फजल फारूकी इनका अच्छा है और राशिद भी इनका अच्छा है, ठीक है, नबी कॉमन है, रहना ही रहना है, ठीक। अब यहां से आप देख लीजिए, इमाम मैंने कहा मैं रखूंगा ही, बाबर मैं रखूंगा ही रखूंगा, यहां मैंने मोहम्मद रिजवान रख लिया है, अगर आप चाहते हैं तो रिजवान की जगह रिजवान को हटाकर यहां पर फिर आप फकर जमान रख लीजिए, टॉप 3 रख लीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इन दोनों को कर दिया, और मैं मान के चलो इन्होंने बैटिंग कर ली पहले, अगर इन्होंने बैटिंग कर ली पहले तो फिर ये 2 खिलाड़ी बढ़िया स्कोर करेंगे। गुरबाज जादरान, इन पे विश्वास मैंने किया है, तो इनको मैं रखूंगा रखूंगा, एक टीम ऐसे हो सकती है। दूसरी में आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक चेंज किया कि रिजवान हटा दिया यहाँ से, और रिजवान हटा के मैं शहीदी ले आया हूँ, कि शहीदी ने 97 रन इनके अगेंस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो शादाब खान है इसको भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बीच में आके स्पिन भी करेगा ये, तो पहले मैच में इनके पास स्पिन नहीं थी, अब इनके पास मैंने इनको स्पिन से लैस कर दिया, ठीक है। लेकिन रऊफ को अगर देखिए आप रख रहे हैं ना किसी टीम में, तो रऊफ को कप्तान बना दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा खिलाड़ी है तो बड़ा टैलेंटेड गेंदबाज, अगर ये चल गया तो फिर जल्दी निपटा भी देता है, लेकिन आपने देखा होगा इंडिया ने कैसे पिटाई लगाई थी इसकी, सब तेजी वेजी सब निकाल दी थी इसकी ना, बट आफरीदी पे ज्यादा विश्वास लगता है, नसीम शाह यहाँ पर है ही है, राशिद नबी, और इस तरीके से टीम है। बाबर और शाहीन को मैंने सॉरी शाहिदी को मैंने कप्तान बना दिया है, ठीक हो गया। तीसरा मैच मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ, देखिए फकर जमन क्योंकि सबसे वीकलिंग है, सबसे कमजोर कड़ी है, इसी को ही कप्तान बना दिया साहब, पता चल रहा इसी ने ठोके 100,
इसी ने दिए तुम्हें ड्रीम इलेवन में जबरदस्त पॉइंट। राशिद खान क्योंकि विकेट लेगा ही लेगा एक दो, तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन मैंने लिया हुआ है और इस हिसाब से मैंने तीसरी टीम बनाई हुई है। मतलब ये सिर्फ एक सैंपल है जो आपको मैंने दिया है, आप इसी हिसाब से टीम बना के देख सकते हैं। अपने आप एल्गुल आप देख लीजिए किस तरीके से चलता है और कौन कौन से आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बॉस। तो ये पूरी डिटेल है आप सबके लिए, ठीक है। तो जितने भी ड्रीम इलेवन हमारे भाई लोग खेल रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेज है कि भाई मेरी इस वीडियो से उनको कुछ हेल्प हो जाए और वो बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के कुछ बढ़िया इनाम जीत जाए। और दोनों ही टीमों को, पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी, बेस्ट विशेज है भाई, खेलो और जीतो, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन मेरी बैट पाकिस्तान के ऊपर ही है कि पाकिस्तान ही जीतने वाला है। तो आप देख लीजिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी का बैलेंस बराबर रखते हुए चलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बॉस। अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को और क्रिकेट विद देवलोक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ ये ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन ही नहीं, मैं आपके लिए एक से एक जबरदस्त चीज क्रिकेट से रिलेटेड लाते रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके स्क्रॉल करिए तो आपको पता चल जाएगा कितने बढ़िया आइटम मैं आपके लिए उसमें लेकर आया हूँ। क्रिकेट आइटम आइटम नहीं, क्रिकेट आइटम लेकर आया हूँ बॉस। तो अभी चलते हैं, फिर ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मैच खेलिए। बाय बाय, टेक केयर।